वेबसाइट्स। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम इस पूरी सीरीज़ में डेवलप करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे इंटरनेट काम करता है, कैसे आपका डोमेन नेम सिस्टम DNS आपको एक सर्वर एड्रेस देता है जिस पर आपकी वेबसाइट रहती है। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे वो वेबसाइट आपका ब्राउज़र रेंडर करता है, कैसे HTML, CSS और JavaScript आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करती है। हेलो नमस्ते, मैं हूं योगेश कांतेवाल एंड वेलकम टू क्रिस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे हम DNS के थ्रू एक वेबसाइट की फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम ये फाइल एक्सेस करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो मेनली तीन कोड फाइल्स में हमारे पास आती है। एंड ये तीन कोड फाइल कौन सी है? ये है HTML, CSS एंड JavaScript। एंड इनसे ही हम हमारे मॉडर्न वेबसाइट्स को डिज़ाइन या डेवलप करते हैं। तो ये तीन कोड फाइल्स क्या करती हैं? तो अगर हम बात करें हमारे HTML की, तो HTML हमारी वेबसाइट रेंडर यानी हमारा जो ब्राउज़र है उसे बताता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसमें कितने सारे टेक्स्ट हैं, क्या इसमें कोई बटन है, क्या इसमें कोई सर्च बार है। तो हमारा जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसमें बेसिक ब्लॉक्स हमें चाहिए, हम उसे HTML के थ्रू बनाते हैं। जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको एक बटन चाहिए, तो आप HTML में जाके वो बटन बनाएंगे। ओके, तो HTML हमारा स्ट्रक्चर बना के देता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो जो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन बनती है, आप ये मान लीजिए HTML वो काम करता है, HTML हमारी फाउंडेशन बना के देता है। देन जब एक बार घर का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी एक बार हमारी वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, काम आता है CSS का। CSS क्या करती है? CSS को आप समझ सकते हैं कि CSS जो है वो हमारे डेकोरेटर्स की तरह, जो हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, जो हमारे घर को डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं, जैसे पेंटर्स, आपके डिज़ाइनर्स जो भी हैं, तो वो CSS का काम है। जब आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन चुका है, आपकी वेबसाइट के पास अब ब्लॉक्स हैं कि हाँ हमारी वेबसाइट में एक सर्च बटन होगा, तो CSS क्या करती है? CSS उसे दिखाएगी कि वो कैसा दिखेगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, क्या वो आपकी वेबसाइट के पेज में लेफ्ट में होगा, क्या वो राइट में होगा, या फिर सेंटर में होगा, या फिर उसका कलर कैसा होगा, क्या वो ब्लैक होगा, क्या वो येलो होगा। तो ये पूरा हमारे CSS करती है। देन हम आते हैं JavaScript पे। JavaScript क्या करती है? अब आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया, आपने वेबसाइट को विजुअली दिखा दिया कि हाँ हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, तो अब काम आता है JavaScript का। JavaScript क्या करती है? JavaScript आपकी उस दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करके एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। JavaScript का काम है बेसिकली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। जब आपका घर बन चुका है, अब वो डेकोरेट हो चुका है, अब आप उसमें फंक्शनैलिटी लगाओगे कि अगर मैं स्विच ऑन करूँ तो लाइट जलनी चाहिए, अगर मैं टैप खोलूँ तो पानी आना चाहिए। सो दिस इज़, ये सारा काम जो है ये JavaScript का। तो आपने एक सर्च बटन बनाया, अब आपने उसको कलर भी दे दिया कि वो सर्च बटन कलर में येलो होगा, अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये काम आप JavaScript को देंगे कि जब भी मैं सर्च बटन को क्लिक करूँ तब ये कुछ सर्च करे। तो ये फंक्शनैलिटी जो है वो हमारा JavaScript प्रोवाइड करवाता है। तो इसे बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक इमेजिनरी वेबसाइट बनाएंगे अभी, जो कि कोडेड नहीं, मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा कि कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप लेवल अप होता है एक वेबसाइट का जब ये तीनों फाइल्स एक साथ काम करती हैं। तो हम हमारी इमेजिनरी वेबसाइट को मान लेते हैं कि ये एक म्यूज़िक प्लेइंग वेबसाइट है। अब हमें एक इमेजिनरी म्यूज़िक प्लेइंग वेबसाइट बनानी है, तो हम इसमें तीन ऑप्शंस दे देते हैं कि हम इसमें तीन बटन्स बनाएंगे जिससे आप अपनी वेबसाइट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हो। हम इसमें एक सर्च बार बनाएंगे एंड इसमें होगा एक सर्च बटन जो आपके फेवरेट गानों को सर्च कर सकता है, और सेंटर में इसमें होगा एक प्ले का बटन जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक प्ले करेगा। तो अब हम HTML में जाके इन सारे बटन्स को लिख देंगे कि हाँ हमें ये बटन चाहिए, हमें तीन बटन चाहिए, हमें एक सर्च बार चाहिए, हमें एक सर्च बटन चाहिए एंड हमें एक प्ले और पॉज का बटन चाहिए। ओके, उसके बाद हम जाएंगे CSS में एंड CSS में हम हमारा मैजिक करेंगे, हम इसे लुक देंगे कि ये कैसा दिखेगा। तो CSS बेसिकली क्या करता है? CSS वेब ब्राउज़र को या आपके वेब रेंडर को बताता है कि ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो
हम जो हमारे तीन वो बटन्स हैं जिसे हम क्लोज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, हम उन्हें ब्लैक कलर कर देंगे। हम हमारे सर्च बार को स्ट्रोक रखेंगे, हमारे सर्च बटन को हम कलर करेंगे येलो, एंड हमारा जो प्ले और पोज का बटन है हम उसे भी कलर करेंगे येलो। ओके, अब हमने इन्हें कलर कर दिया। अब हम इसे CSS के थ्रू हम इसे पोजीशन भी दे सकते हैं, ये कहाँ होंगे आपके वेब पेज पे, ये दिखेंगे कहाँ पे, क्या ये साइड बाय साइड होंगे, इनमें से कौन सा बटन सेंटर में होगा, कौन सा बटन ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होगा, या फिर कौन सा बटन आपका राइट में होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम हमारे CSS से कर सकते हैं। ओके, हमने इसे पूरा एक तरह से एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ हमारी ये बटन की पोजीशन ये होगी और इस बटन की पोजीशन ये होगी, हमारी सर्च बार की पोजीशन ये होगी। उसके बाद हम हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लेके आएंगे, हमारा जावास्क्रिप्ट वाला जो जादूगर है उसे लेके आएंगे, एंड हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो आपका प्ले वाला बटन कुछ काम नहीं करेगा। हम अगर आपको जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं देंगे तो हमारा सर्च वाला बटन काम नहीं करेगा, हमारा सर्च बार काम नहीं करेगा। तो अब हमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जो कि है कि जब हम प्ले वाला बटन दबाएं तो हमारे फेवरेट म्यूज़िक चल पड़े, या फिर हमें वो हमारा म्यूज़िक सुनने को मिल जाए। तो हम जावास्क्रिप्ट से वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या काम करेंगे, या उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो वो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हमने ये तीनों फाइल मिक्स करके हमारे वेब ब्राउज़र को दी, तो हमारा वेब ब्राउज़र अब हमारे लिए हमारे फेवरेट गाने बजा सकता है। तो जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे, आपका फेवरेट म्यूज़िक बज जाएगा। इस तरह हमने देखा कि कैसे हमारी जो तीन मस्किटियर्स हैं हमारे वेब डेवलपिंग के, वो कैसे आपको आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे एक वेबसाइट को रेंडर करना है, कैसे अलग अलग कोड फाइल्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग काम हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है आपके डेवलपर टूल्स। तो डेवलपर टूल्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखें अपने पीसी के अंदर, क्रोम ब्राउज़र, बिकॉज़ क्रोम ब्राउज़र का जो डेवलपर टूल्स है वो बहुत अच्छे डेवलपर टूल्स हैं। वेदर अगर आप सफारी यूज़ करते हैं या फिर कोई भी और वेब ब्राउज़र जैसे मोजिला फायरफॉक्स या ब्रेव, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ कीजिए क्रोम का। सो जब आप क्रोम डाउनलोड कर लें तो आप अपने क्रोम टैब को खोल सकते हैं, आप अपने क्रोम विंडो पे आए खोलने के बाद, और यहाँ पे पूरे वेब पेज में आप कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल जैसे ये गूगल का ये है, यहाँ पे मैं आके आपको राइट क्लिक करना है एंड देन आपको जाना है इंस्पेक्ट में। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक साइड विंडो ओपन होगी, और ये विंडो है हमारी डेवलपर टूल्स की, और ये आपको आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है एंड सारे डेवलपर्स इसका यूज़ करते हैं, जो भी वेब डेवलपर्स हैं सब इसका यूज़ करते हैं। तो जब आप इंस्पेक्ट मोड में जाते हैं तो होता क्या है, तो आपको आपका ब्राउज़र जो है वो आपको दिखाता है कि ये पूरा वेब पेज जो है ये कैसे रेंडर हुआ है। जैसे यहाँ पे HTML फाइल है, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास गूगल की HTML फाइल आ गई, इस पर हमें दिखा रखा है ये कहाँ पे क्या है। जैसे आप अगर आप जा सकते हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़, जैसे आप इनके ऊपर हवर करेंगे आपको ये बता देगा ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इनका लोगो है। ओके, एंड फिर आप नीचे जब यहाँ वाले ऑप्शंस में आएंगे तब आपको स्टाइल्स दिखेंगे, यहाँ होती है हमारी कंप्यूटेड CSS। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये कंप्यूटेड CSS है, और ये इसकी स्टाइल्स है जो इस पे लगी हुई है, जो CSS की जो कोड फाइल है उससे जो कोड आया है वो सब यहाँ पे है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, कितनी मार्जिन देना है वो सब यहाँ पे है। तो ये हमारा इंस्पेक्टर मोड है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको माइंड में रखना है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आगे की लेक्चर्स में देखेंगे हम इसे कैसे यूज़ करेंगे हमारे वेब डेवलपमेंट के साथ। अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ, एक बढ़िया चीज़। दिस इज़ एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है सैवी, एंड इट्स एक्चुअली ये एक डिज़ाइनिंग इंस्पिरेशन वेबसाइट है, पिंटरेस्ट की जैसी है पर डिज़ाइनर्स के लिए है।
तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपको इस पे वेब डिज़ाइन के ऊपर इंस्पिरेशन वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे। सो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इंस्पेक्टर मोड को यूज़ करके हमारे वेब पेज में चेंजेस कर सकते हैं। जो हमारे पास रेंडर्ड वेब पेज है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो वैसे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, देयर इज़ नथिंग हियर ये। ओके, तो जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करूँगा और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तब आपको यहाँ देखिए, ये हमें इंस्पेक्टर मोड में जहाँ पे कोड में लिखा हुआ है, ये हमें वहाँ मिल गया। ओके, अब सबसे बढ़िया बात, हम इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पे। ओके, इस टेक्स्ट पे आपको डबल क्लिक करना है, एंड देन आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोस्ट इज हियर, इसको, एंड सी, ये रहा, ये चेंज हो गया। भला इट्स लाइक मैजिक, राइट? सो या ये चेंज होगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर हम इसकी स्टाइल्स में जाएं तो हम इसकी सीएसएस भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ये एक सीएसएस की कोड लाइन है, जिसका मतलब है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हम इसके बारे में भी जानेंगे, सीएसएस के बारे में। आपको सिर्फ अभी देखना है, अगर जैसे ही मैं इसे अनक्लिक कर दूँ या फिर अनअसाइन कर दूँ, तो आपको पता चलेगा ओ यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हमारी HTML काम करती है, कैसे वेब पेज पे HTML से चीज़ें लिखी जाती हैं, कैसे CSS से चीज़ें आपकी पोजीशन होती हैं, कलर्ड होती हैं। तो वो ये सब हम यहाँ देख सकते हैं। सो ये सब था आज की वीडियो के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए। आज के इस लेक्चर में एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे HTML, CSS और JavaScript के यूसेज का। जैसे जैसे हम प्रॉपर कोर सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, तो हम इनकी पर ओवर ब्रॉडली जानेंगे कि क्या कैसे ये काम करती है, कैसे HTML काम करती है, कैसे CSS और JavaScript काम करती है। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको जानने को मिला होगा, एंड आप जरूर से डाउनलोड कीजिए गूगल क्रोम। अगर आप कोई और ब्राउज़र भी यूज़ करते हैं, नो प्रॉब्लम, सबके अंदर एक इंस्पेक्टर मोड होता है। बट अगर आप गूगल क्रोम डाउनलोड करेंगे तो आप मेरे साथ साथ इजीली फॉलो अप कर पाएंगे। सो डाउनलोड गूगल क्रोम एंड एक्सप्लोर कीजिए, इंस्पेक्टर मोड को एक्सप्लोर कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे इस बटन पे आप, मैं इस बटन को भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे फॉलो सम यूजर्स एंड स्टार्ट सेविंग। हम यहाँ कर सकते हैं ग्रो स्क्रोथ्स। मैं बार बार अपना ही नाम लिख रहा हूँ। सो या आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। एंड बट अब आपको ये लगेगा कि क्या ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट पे चेंज हुआ है? नहीं, ये आपके जब वेबसाइट के कोड फाइल्स आती हैं, जो रेंडर्ड हो चुकी है, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है, इस वेबसाइट का जो वर्जन आपके कंप्यूटर में स्टोर हुआ है जब आपने इसको एक्सेस किया, ये उसके अंदर चेंज कर रहा है। अगर आप रिफ्रेश करेंगे इसे यहाँ से, वो वापस चेंज हो जाएगा, वापस डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ये था ब्रीफ ओवरव्यू ओवर इंस्पेक्टर मोड एंड HTML CSS वाले टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गोस्कोट्स। थैंक यू।